महिला भी काफ़ी संख्या में इस रैली में बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। देखिए बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे भी हैं महिलाओं के साथ। देखिए महिला भी पुराने कल्चर के साथ दामन गंठी। राम राम जी, कहाँ से आए हो? क्या नाम है? संतोष। क्यों आए हो आज यहाँ पर? साहब आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं। ठीक है, बने रहिए। तुम के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी महिलाओं का। इस्लाम धर्म को मानने वाले देखिए सभी यहाँ मौजूद हैं, एक दूसरे को आपस में सलाम मशवरा करते हुए और बिल्कुल भारत की एकता को रखते हुए ये इस्लाम धर्म के भाई। भाई साहब, कोरादून पाक का स्वागत है। कहाँ से आए हो? मैं जिला अध्यक्ष हूँ बीजेपी का पार्ट। थोड़ा दूर। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। गोहाना की पूर्ण भूमि पर आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे गृह मंत्री देश के आ रहे हैं, आज हमारे साथी सभी लोग आए हुए हैं और जो है हम लोग माननीय अमित शाह जी की रैली के नेतृत्व में आज माननीय अमित शाह जी हरियाणा की धरती पर पधारे हैं, तो उसको लेके सारी छत्तीस बिरादरी माननीय गृह मंत्री जी को चुन रहे हैं। कितने साथियों के साथ आए हो? हमारे कम से कम 1.5 से 2,000 लोग हैं। आने ही लग रहे हैं सारे के सारे, ये खड़े हैं सारे, बाकी आने लग रहे हैं सारे, इधर भी खड़े हैं सारे ने। तो आज गृह मंत्री से क्या मांगने जा रहे हो? गृह मंत्री जी का तो देने का ही काम है, सारे हमें नहीं पूरे हरियाणा को देके जाएंगे। पूरे हरियाणा को देके जाएंगे। जब ही हमारी रैली का नाम जन उत्थान रैली आज रखा गया है और माननीय गृह मंत्री आज उत्थान ही करके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों का। बहुत बहुत। अमित शाह मौसम खराब होने के कारण नहीं आए, वो मोबाइल से ही पब्लिक को संबोधित कर रहे हैं। देखिए बारिश का मौसम है, कभी सभी वोटर बारिश से परेशान हैं और अमित शाह ने कहा है कि हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता, मार नहीं सकता और 2 घंटे लग जाएंगे। बाई रोड आऊँगा तो उसमें भी काफ़ी अड़चने, क्योंकि दिल्ली में बारिश बहुत हो रही है। बारिश का मौसम है फिर भी महिला डटी हुई।
साथ इसी बार जय हिंद जय हिंदुस्तान वंदे मातरम। रैली से जाते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता पूरा प्रशासन मीटिंग में जाते हुए